चैनल उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 4:30 हो चुके हैं, तो आज मेरी आँख जो है वो बाई चांस जल्दी खुल गई, तो मैंने क्या क्यों ना तहज्जुद पढ़ लें, आज कुछ खुदा को याद कर लें, क्या पता कोई हो जाए, कोई बिगड़ी हुई हमारी बन जाए। खैर, इतनी खामोशी है घर में, इतनी कि यहाँ पे सिर्फ मेरे अलावा घड़ियों की आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही होगी आपके साथ साथ। यहाँ पे जो है वो एग्जैक्ट हो चुके हैं, 4:30 हो चुके हैं। आज ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि आज सैटरडे है, तो क्या पता आज जो है विंटर वेकेशन जो है एक्सटेंड हो जाए। आज मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जो सर्दी है वो कितनी ज़्यादा हो चुकी है, तो बहुत शदीद वाली ठंड है आज। तो मैं सोच रहा था कि बच्चे बेचारे किस तरह स्कूल जाएंगे। मुझे तो उनका बहुत ज़्यादा हो रहा है कि बच्चों का हो रहा है कि बच्चे बेचारे किस तरह स्कूल जाएंगे। मेरी तो चलो फिर मेरी मुँह से निकल आया, मतलब बड़ों की तो फिर खैर है, बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे, छुट्टियां हो जानी चाहिए। सीरियस बात, आप गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए। सीरियस बात तो ये देखिए, इतना ठंडा पानी है, सीरियस बात है। विंटर वेकेशन जो है वो अब एक्सटेंड हो ही जानी चाहिए। मोबाइल करता हूँ, जल्दी से वजू करते हैं, वजू करके उसके बाद में फिर मोबाइल दोबारा उठाता हूँ। बाहर जो है वो धुंध भी पड़ी हुई होनी है लाजमी, तो इतनी खामोशी है, शदीद सर्दी है। मुझे तो आज रियलाइज़ हुआ है कि सर्दी भी इतनी ज़्यादा होती है। इसमें हम लोग मतलब मैं फिर हम लोग निकल आते हैं, बच्चे कैसे स्कूल और कॉलेज जाएंगे, स्पेशली मेरे छोटे जो हैं शहजादे हैं मेरे। One hour later. फ्रेश तो हो चुके हैं टोटली, तो मास वगैरह भी होगी। फिर से वही मेरे माइंड में एक चीज़ चल रही है आज, पता नहीं क्यों ना दिल वो हुआ है कि यार छुट्टियां हो जानी चाहिए, अब विंटर वेकेशन दोबारा होनी चाहिए। इतनी सर्दी में पड़ी अब रही है, बंदा जाएगा कैसे। मैंने भी दुआ मांगी, आप लोग भी मांगी, क्या पता किसी की दुआ कबूल हो जाए कि विंटर वेकेशन, स्पेशली जो विंटर वेकेशन है वो हो जानी चाहिए। बाकी जो भी है वो खैर, बाकी शहजादे तो मेरे अभी तक सोए हुए हैं, तो बाहर हल्की हल्की जो है वो सुबह हो चुकी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब उल्टे टाइम पे जो है ये जो भूख लग जाती है ना बंदे को, सीरियस बात है, उसका फिर क्या ही जवाब है। अभी तक गैस जो है वो नहीं आई, क्योंकि ये मेरे ख्याल में अब 5:30 आती है, 6 आती है, अभी इसी तरह कोई लेट ही आती है, तो गैस वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह अब मैं किसी को जगाऊँ तो जगा के क्या कहूँ, क्या उन्होंने बनाना है, क्योंकि गैस तो है ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे फिर एक दिन मिला टैंक, तो उसको पी लेते हैं। तो वो आपने माइंड नहीं करना कि इतनी सुबह जो है वो टैंक कौन पीता है, मैं पीता हूँ। जो है वो हमें पानी भरना पड़ेगा, और आपको पता है पानी बहुत ठंडा है, छुट्टियाँ हो जानी चाहिए, सीरियस बात है। खैर नहीं होता, उठा नहीं जाता हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं तो अपने शहजादों की कह रहा हूँ, जो बेचारे उठ के जाएंगे इतनी सर्दी में स्कूल, वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे। देखें फिर कितना मैं अच्छा हूँ, फिर ये लोग कहते हैं कि मैं सिर्फ इनको तंग करता हूँ, कुछ हर वक्त सिर्फ तंग ही करता हूँ, तंग नहीं करता इनको मैं बहुत प्यार से ट्रीट करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ क्योंकि मैं गालियों से डरता हूँ, किसी ने सुन लिया तो वो कहेगा कि सुबह सुबह इसको चढ़ा हुआ है जुनून मोबाइल उठाने पर, आवाम सो रही है ये बस मोबाइल उठा के फिर। तो ऐसी बात नहीं है, मैं सो गया था, जल्दी सो गया था, आज रात को नहीं जागा, आज मैं बहुत जल्दी सोया, देखिए मैं 2 बजे सोया हूँ रात को, आँख जो है वो बाई चांस फिर जल्दी खुल गई है। इसको मैं
ये तकरीबन बन चुके हैं। ये इसी तरह बनता है। अब जो है वो बर्तन शर्तन तो ना धोए नहीं है, अब ये उठेंगे तो धोएंगे, तो ऐसी कोई चीज़ मुझे मिले एक अदद हमें मिल चुका है, अब पता नहीं से क्या देख रहे हैं। तो चला जा भाई, चला जा, ये नहीं जाएगा। तो हर काम जो है ना वो सीरियस बात उल्टा होता है मुझसे। देखा कितनी स्पीड से सुबह सुबह बंदा कितना फ्रेश होता है, टाइम से उठे ना बंदा तो हर काम जो है वो जल्दी हो जाता है। हौसला इसका, ये मुझसे टूट भी गया था, ये मैं नहीं तोड़ा है इसको। तो मैं जब किचन में आता हूँ मुझे सिर्फ नुकसान होते हैं, बाकी काम तो मुझसे हो ना हो अलबत्त नुकसान मैं अच्छे कर लेता हूँ। इसको टेस्ट करना चाहिए। गिलास सारे के सारे वो जो हैं वो सिंक में पड़े हुए हैं, मुंह नहीं लगाऊं। मज़ा आ गया, फ्रेश जूस, फ्रेश गिलास में डाल देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। आस पड़ा रहा एक अदर, ये गिलास मिल गया मुझे, देखें इसको नहीं देखें, ओ सॉरी इसको नहीं देखें, अलबत्ता अल्लाह ताला को चाहिए। देखें कितना अच्छा बंदा सुबह का जागा हुआ है सिर्फ इस बात के लिए कि आज छुट्टियाँ होनी चाहिए, तो पता नहीं अब क्या बनता है। फिर इतना हो चुका है कि एक घंटा जो है वो गुजर जाएगा मेरा, तो तब तक ये उठते हैं, उठ के फिर नाश्ता शाक वगैरह बनाएंगे, तो फिर मैं खाऊँगा। तो इनसे भी दुआ करवाऊँगा कि दुआ की अगर वो छुट्टियाँ हो जाएँ तो मिलते हैं तकरीबन थोड़ी देर में। 2 hours later ये शहजादे भी जो हैं ये जाग चुके हैं, पानी ठंडा है ना आज? जी बहुत ठंडा है सीरियस। और सबसे पहले इसके मुंह देख, इस टाइम ने सबसे पहले और कुछ काम किया किया नहीं है, इसने कल अपनी दाढ़ी उड़ा दी है, इसकी भी दाढ़ी आ चुकी है। शर्मा क्यों रहे यार, तो क्या है इसमें, इसमें क्या है, कितना 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 ये मासूम लग रहा है, पूरा पूरा अंकल लग रहा था यार, जिस अंकल होते हैं ना अलग पर्सनैलिटी है, पूरी का पूरा अंकल लग रहा है। और ये शहजादा इसको कोई टेंशन कोई फिक्र कोई फाका है ही नहीं, कोई है ही नहीं। अब रोटी पका, अच्छा मेरी बात सुनो, सबसे पहले तो दुआ करो कि आज छुट्टियां हो। क्यों यार छुट्टियां कहां से हो जाए, हमारे 2 माह रह गए। चुप कर मेरी बात सुन, आगे से बोल लेकिन बोलने की तुम लोगों को आदत है, 2 माह रह गए, पानी ठंडा नहीं है? नहीं। सुबह कैसे उठोगे? सुबह हो जाएगा। मैं तो सुबह से उठ के तहज्जुद पढ़ के मैं दुआएं मांग रहा हूं छुट्टियां हो, क्योंकि आज मेरा सारा नोटिफिकेशन, उम्मीद है कि शाम तक आ जाएगा, तो छुट्टियां हो जानी चाहिए। सीरियस बात है, मुझे इनकी इतनी फिक्र है, इतनी फिक्र है कि ये बेचारे सुबह उठ के मुंह कैसे धोएंगे। चलो बर्तन तो खैर है, ये इसकी ड्यूटी है, ये बेचारे मुंह कैसे धोएंगे, वैसे तो धोते रही है, स्कूल के लिए कैसे धोएंगे, टेंशन है ना, हो जानी चाहिए ना छुट्टियाँ। नहीं छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए। सीरियस बात है ना, ना करते हुए भी ना मैं क्या होऊंगा, 16-17 साल तो मैं स्कूल गया हूँ, स्कूल तो खैर 16-17 साल में जाके स्कूल चुप चुप कर आगे आपको सोच रहे कि भाई एक कॉलेज के दे दिन गया था। मेरा मतलब है कि मतलब 10 तक तो मैं स्कूल गया हूँ, इतना मैंने जितना भी मैंने पढ़ा उसमें मैंने कभी ये बात नहीं की कि छुट्टियाँ ना हो। मैं एज अ स्टूडेंट है नहीं आ रही, तो मैं एज ऐसा बंदा था ना, सीरियस बात है कि मैं रोज दुआएं मांगता था कि या अल्लाह आज छुट्टी हो, आज छुट्टी हो, सुबह जाऊँ कुछ ऐसा हो जाए कि छुट्टियाँ ही छुट्टियाँ हो, बस मेरा स्कूल जाने का बिल्कुल भी मूड नहीं करता। नहीं, नहीं कर। और ये लोग ऐसे हैं कि छुट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है पूरे पाकिस्तान में छुट्टियाँ हो जाएं, इन दोनों के इन दोनों के कॉलेज खोल सिर्फ ये दोनों, सिर्फ ये दोनों जाए, मैं तो ये दोनों लोगों की टीचर से बात कर लेता हूँ कि इन दोनों के कॉलेज खोले या कि सिर्फ एडमिन स्टाफ ने भी आना है, इन दोनों को बुला ले, इन दोनों को बुलाए, इन दोनों को बहुत शौक है स्कूल आने का, और मेरा जो है वो बिल्कुल भी मूड नहीं है। मेरा क्यों, मैं क्यों वो तो स्कूल जाता हूँ, वो फिर वो यार फिर वही बात है कि मैं सोच के रहा था कि बच्चे बेचारे सुबह कैसे उठेंगे, कैसे उठेंगे, कैसे वो करेंगे, वो क्या होता है
मुंह धोएंगे, पानी यूज करेंगे इतना ठंडा पानी होगा बेचारे, किस तरह से सर्वाइव कैसे करें? मैं इतना अच्छा हूँ बढ़िया यार, हो जानी चाहिए। खैर इनकी अपनी मर्जी, आपकी अपनी मर्जी। इनके स्कूल खोलें आप, सॉरी स्कूल में नहीं जाते, ये कॉलेज में शहजादा जाता है। इसको तो सबसे पहले ओपन करें, फिर उसके बाद इसका भी ओपन करें। ये जब बर्तन धो सकता है तो ये भूमि धो लेगा, ये जाए कॉलेज। मैं भी इन दोनों की स्पेशल, मुझे टेंशन थी कि बेचारे जाए तो लोग ब्लॉग देखो मेरे पूरे में, ये उसमें तुम लोगों का स्पेशल नाम लिया कि इन दोनों की छुट्टियाँ हो जा रही थी। खैर आज मेरा सीन कहीं और जाने का है, तो उस सिलसिले में ब्लॉग मुझे यहाँ पर एंड करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये है कि क्या सीन है, मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकता। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये छोटा सा टुकड़ा था सुबह सुबह, तभी मैंने बना लिया है कि दिन को, ताकि मैं पूरा दिन जो है वो बिल्कुल ईजी है। खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।